कैसे हैं? ठीक ठाक है। मुस्कुराहट का रीजन बताऊंगा, मैं बिल्कुल बताऊंगा। जब भी कोई नौजवान लड़का देखे, वो इंडिया का हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया का हो, चाहे न्यूजीलैंड का हो, चाहे पाकिस्तान का हो, हमारे जब नौजवान लड़के परफॉर्म करते हैं ना किसी मेगा इवेंट में या किसी वर्ल्ड की मेगा लीग में या रिचेस्ट लीग में, तो अच्छा लगता है। अभिषेक शर्मा पे 3-4 साल से बड़ी इन्वेस्टमेंट हो रही है आईपीएल में, और उनकी फ्रेंचाइज भी सेम है। वार्नर के साथ भी मौका मिला एक आध दफा, विलियमसन के साथ सनराइजर्स में 2 दफा ये ओपन करते रहे, कुछ कुछ इनिंग्स इनकी आती थी, लेकिन इस बार ये भी बड़े डिफरेंट शेप में नजर आ रहे हैं। पागल, मुझे तो आज मेरे लिए कोई अल्फाज नहीं सूझा, मुझे लगा है पागल हो गया। ये पागल इसलिए हो गया है कि सिर्फ छक्के मारना चाह रहा है, अब उसी के चक्कर में 2-3 चौके मार देता है। 4 छक्के इसने 11 गेंदों पे मार दिए, 3 चौके भी मार दिए, 37 रन इसने 11 गेंदों पे बना दिए थे। ये क्या चाह रहा था? ये 400 के स्ट्राइक रेट को क्यों सीख कर रहा था? ये क्यों पागल हो गया? ये कौन सा बल्ला? इसका बल्ला चेक करा लो। वो मैं वो वाले एक्सपर्ट जो शामी की बॉले चेक करते थे, वो अभिषेक शर्मा का बल्ला भी चेक करा ले। ये कैसे मार रहा है ऋतुराज को? नहीं, शर्मा जी का मैं जरा किस्सा सुना दूं आपको। ये कहानी शुरू हुई शर्मा की, पांड्या वर्सेस शर्मा से, ठीक है? जबकि जो बनती नहीं थी, मतलब वर्सेस बनता नहीं था, मगर बन गया। होती है ना इमेजिनेशन। अब भाई घंटे की इमेजिनेशन तो आप रोक ही नहीं सकते ना, आ गई इमेजिनेशन, आप देख लिया कि भैया ये कर लो। अच्छा, उसके बाद से ऐसा लगा कि यार कोई शर्मा नहीं छोड़ेगा दबा। आशुतोष शर्मा हो कल वाले, जितेश शर्मा वो वाले हो, कौन थे मोहित शर्मा वो वाले हो, शर्मा सारे तुम्हारी निकल के आया, सब शर्मा नाराज हो गए। शर्मा, उसने बोला मैं क्यों इसमें भाग न डालूं भाई अपना, मैं भी तो शर्मा हूं। अच्छा, शर्मा की गैरत जग गई, आप समझे नहीं, शर्मा की गैरत जगा दी लोगों ने। यानी कि रोहित शर्मा को देख, वो जो कहते हैं ना जहीर भाई के, यार उनको देख के मुझे वो आते गूज़बम्प्स। अब सारे शर्मा, अब तो जहीर भाई बोलेंगे जितने शर्मा है उनको देख के गूज़बम्प्स आ रहे। यार अभिषेक शर्मा बहुत अच्छी क्रिकेट खेला, अग्रेसिव, डेंजरस गेम। असल जो बनाया, बिल्डिंग जो बना के गया ना वो इस मुश्किल पिच के ऊपर, ये मुश्किल पिच थी ये बता दूं मैं आपको। वो लेटर ऑन वो झूठ बोलते, क्या कहा था, सनराइजर्स में दो तरह की पिच होती है, एक वो जिसपे 277 या दूसरी ये जो थोड़ा सा फसके आता है। और एक और बात कि भाईजान आईपीएल में जो ज्यूरी है, जो मैन ऑफ द मैच देते हैं, मैं उनको पहले तो दोनों हाथों से सलाम पेश करता हूँ। इसमें तो कप है मेरे पास चाय का, तो मैं ये आपको इसलिए अब क्यों कर रहा हूँ। हमारे यहाँ पीएसएल हो रही थी, यकीन करें किसी बुक्स में नहीं, वो भी मेरी लीग है, मैं चाहता हूँ वहां बच्चे अब जितने दिखा देते हैं ये, हम उन्हें बैक कर लेते हैं कि नए बच्चे आ गए। खुदा की कसम खा लेता हूँ इस बार, अल्लाह मुझे माफ करे, मैं ऐसे कसमें उसमें खाने वाला आदमी हूँ नहीं। यकीन करें कभी कभी इतनी जान जली कि आप कॉपी पेस्ट मैन ऑफ द मैच, अबे अगर वो जाहिल होते वो कॉपी पेस्ट मार्क राम को मैन ऑफ द मैच देते 36 में 50। असल में 165 रन के जवाब में जब तक अभिषेक शर्मा खेला ये तय हो गया था 12 पे 37। अबे मैया मीरान टोटल तीसरे चौथे ओवर में वो आउट हो गया, वहां उसने तय कर दिया कि भाईजान अब ये मैच हम नहीं हारेंगे। कल हम यही बात करके गए थे यार, हम शायद पता नहीं हम ठीक बात कैसे हमारे मुंह से निकल जाती है, रोकने की कोशिश करते हैं कि जितना कम बताया जाए, मगर वो निकल गई थी कि भैया ये कसाई फैमिली है जिसका नाम है सनराइजर हैदराबाद। तुमने देखा नहीं उनकी शक्ल पे हर वक्त जो है ना वो ऐसा लगता है कोई खून उतरा हुआ है क्या? काव्या मरण की आज बस हेड ने 18 पे 100 किया था, उस दिन वो 50 किया था, उस दिन इसने एक गेंद कम पे कर दिया था ना, इसने 18 या 17 पे कर दिया। आज ये क्या 13 बॉलों पे 100? ये जायसवाल का टारगेट करके आया हुआ था भाई। वो जो आज गप मार के गया ना, मैं उसको जुगत बोलूंगा, जो ऋतुराज गायकवाड़, वो जो साउथ अफ्रीका का सबसे साफ वाला कमेंटेटर है ना, मपुमा मलांगा, ठीक है, उससे पूछा भैया सरफेस कैसा था, उसने लेटर ऑन ड्यू था, घंटा लेटर ऑन तक तो बचा ही नहीं था कुछ, लेटर ऑन बचा आ गया होगा मौसम है बेटा, भागो नहीं है 165 का क्या है? नहीं नहीं, आप समझे नहीं, एक्सपेक्ट धोनी से भैया, तुमसे ही कोशिश ये होती है कि तुम जो साथ में हो ना सीख लो, ठीक है, साथ में हो सीख लो, गप मारना मत सीखो। एनालिसिस याद दिलाए, यही तो कह रहा हूं, मेरे एनालिसिस क्या थे? ईमानदारी से जिसको याद हो, सबको याद होंगे, मैंने क्या कहा था कि सीएसके बड़ी अच्छी टीम है, लेकिन जब हम ये सोच रहे हैं शर्मा, क्लासन, मार्करम, और फिर वहां सोच रहे ऋतु रहाने, भले रचिन रविंद्रा, और फिर शिवम दुबे, तो छक्कों के पागल ये लोग लग रहे, इसलिए इनको एज है कल के मैच में। तो मैच बाय मैच होता है एनालिसिस, दोनों टीमों की टक्कर और वेन्यू देख के। अगर ये मुश्किल था तो ये दुबे कहां पे कुछ रोटी तोड़कर आता है कि इसका, इसको मुश्किल कुछ नहीं लगता,
24 पे मार गया, 50 तो नहीं लगे, मगर वो भी तो खेल के गया है ना यार एक अंदाज से तकरीबन 180 के 320 के स्ट्राइक रेट से। मैं मजाक नहीं कर रहा, बाबर आजम छोरा आफाक बल्लेबाज, उन्होंने 4-6 महीने पहले 8 महीने हो गए होंगे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कि क्या करूं मैं अपना स्ट्राइक रेट क्या 300 कर लूं, उनके लिए वो जुगत थी कि 300 तो जुगत होती है। अभिषेक शर्मा 320 आउट होने वाली बॉल के बाद स्ट्राइक रेट मेंटेन करके गया। अच्छा जब उन्होंने ये बात कही तो 300 का स्ट्राइक रेट उस वक्त बल्लेबाज मार चुके थे, अब 350 पे आ रही है बात। हाँ। नहीं आप, मैं क्या कह रहा हूँ कि क्लासन जब आज स्लो खेला, उसने टाइम ड्यूरेशन पूरी करनी थी, मैच के मजे पूरे दे रहे थे, कुछ ओवर भी गुजरवाने थे, 2 ओवर में 11 रन बना लिए, उसने कोई इशू नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि टीआरपी पूरी न मिले आईपीएल को, ठीक है इतनी जल्दी मैच खत्म हो जाए, मैच भी आज जल्दी खत्म हो गया, इससे पहले भी खत्म हो जाता मैच। आप देख लें जब आखिरी 11 बॉले आने तक ये 9 ओवर ले गए तकरीबन 8 ओवर ले गया वो अगले 60 रन बनाने के लिए, वरना 100 रन तो वो 9.5 रन के ओवर 9.5 ओवर में बना चुके थे। मैं एक बात और बता दूं, चेन्नई सुपर किंग को शायद ऊपर से कोई देख रहा होगा कि यार बड़ी 5 टाइटल जीती हुई है, 2 चैंपियंस लीग के टाइटल, वो तो धोनी ने जीता है। कोई लौंडा जो सीख रहा है इसको समझ में नहीं आ रही शायद आज के मंडना कैसा, मतलब मैच जीता लेकिन रन तेज नहीं है, बजा नहीं रहा। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि अब तक के जितने मैचेस है जो मैं अभी देख रहा था यार, तुम्हारा सिर्फ पावर प्ले सबसे अच्छा जो गया वो दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ गया 64-1, वरना तुम 40 के अंदर हो। क्योंकि ऋतुराज खुद बैटिंग कर रहे हैं, 40-42 पे तो 42-3 मैं आज भी देख लो तुम। बात ये सीधी सी के जो बजी है आज वो यही तो बजी है कि यार तुम ठीक है लिबर्टी ले रहे हैं, अजिंक्य हराने वो मजे लेंगे पूरे, रविंद्र जडेजा का एक रोल है कि भैया तुमने ऊपर का नहीं छोड़ना और नीचे का नहीं छोड़ना, चलेगा तो वो बहुत अच्छा चलेगा, मैच को साइड में करेगा, नहीं चलेगा तो गिरा देगा। ऋतुराज गायकवाड ने उसके पीछे जो वो कप्तानी तो पैट कमिंस की क्या बात है, वो जो धोनी वो जो मिचेल के ऊपर भी प्रमोट हो जाते हैं जिनका नाम है जडेजा, जिसका कोई ना नतीजा। मैं ये कह रहा हूँ कि यार ठीक है बॉलिंग में नहीं हुआ तेरे से, बैटिंग में कुछ कर लेता, अगर तुमने इसी तरह सरकारी रन के हिसाब से चीजें चल रही है तो भी ठीक है यार, बच्चे को मौका दे देते। हार्ड लग रही है, मुझे भी पता था कि आज ऋतुराज गायकवाड अगर टॉस जीत जाते तो वो भी बैटिंग फील्डिंग तरफ जाते, मगर ये कि यार उनका होम ग्राउंड था, कम से कम उनको इतना कंपेटिटिव तो देते। नीचे अगर आप आते आते देखे तो मैं आपको अंदाजा लगाए कि यार आखिरी जो इन्होंने मेरे ख्याल में 40 रन बनाए ना, 41 रन, वो देख ले कितनी बॉलों पर, यानी कि यार 38 बॉल्स पे 39 रन है तुम्हारे यार। आखिरी आप देखें यानी कि धोनी का आते आते तक धोनी को तो बेचारे को 2 बॉलें मिली खेलने के लिए, वो जो मजे ले रहे थे खड़े होकर अपने गार्डन में खेलने आए हुए थे, खेलने नहीं, अबे नहीं लगे तो हमने रोका है तुम्हारा हाथ क्या, नहीं लगे तो प्रैक्टिस क्या करते हो तुम, किस पता नहीं। अच्छी पिचेस पे तो संभाल लेते, तुम तो पुराने सरकारी माल पे सीएसके से खेले जा रहे हो। अभिषेक शर्मा तो भाई आपको बता रहे हैं कि ये आईपीएल की जो लीग है ये क्यों दुनिया की सबसे बड़ी लीग है, एक वर्ल्ड क्लास टीम चेन्नई सुपर किंग्स। मेरा शर्मा चेन्नई सुपर किंग्स की आज की खामियों पे जरूर बात होगी, लेकिन सनराइजर्स हैदराबाद का जो कप्तान है याद रखिए वो वर्ल्ड कप विनिंग कप्तान है, और काव्या मरन आजकल फिर से बहुत खबरों में, उनके जो हो रही नहीं उनके जो अब्बा हैं जिनकी ये बेसिकली फ्रेंचाइज है वो डायरेक्टर तक है, उनके और अब्बा ने तो नहीं कहा, उनके अब्बा मतलब पता नहीं 18,000 करोड़ को ओन करते हैं, यानी जो उनके डिक्लेयर्ड चीजें। और दूसरी बात अगर मैं आपको बता दूं उनके बारे में कि उन्हें किसी ने बड़ा वैलिड मशवरा दे डाला था कि लास्ट ईयर आपने सबको लेके देख लिया, इस बार सिर्फ आप पैट कमिंस को ले लीजिए क्योंकि ये वर्ल्ड कप विनिंग कप्तान है, क्योंकि आपके लड़कों को ऑर्गेनाइज करने वाला आदमी नहीं मिल रहा। कुछ लोगों को मार्करम एस कैप्टन समझ नहीं आ रहा, मार्करम का एस प्लेयर हम तो बड़ा एहतराम करते हैं, लेकिन हमें मालूम है कि मार्करम साउथ अफ्रीका की भी जब कप्तानी करते हैं तो जब बबूमा के साथ कोई मसला होता है तभी करते हैं, जम्स हैं, लेकिन डेफिनेटली अपने मुल्क के लड़कों को समझाना और फिर ओवरसीज लड़कों को टैकल करना। देखें मैं पैट कमिंस की एक मिसाल देता हूं, आप कप्तानी की बात कर रहे हैं, मैं सिर्फ एक मिसाल देता हूं, उसके पास एक मैच विनर है लेग स्पिनर इंडियन जिसका नाम है मार्कंडे, बड़ी बड़ी जगहों पर रहा है मयंक मार्कंडे, मुझे याद है अगर मैं गलत नहीं हूं, मुंबई से भी खेला है कभी, लेकिन वो मार्कंडे को हमेशा इंट्रोड्यूस कराता है अर्ली, वो चेक करता है कि मार्कंडे का दिन कैसा है, मार्कंडे विकेट से क्या असिस्ट कर रहा है, इसीलिए उसने मयंक मार्कंडे को वो कॉन्फिडेंस दिया जो अब तक मयंक मार्कंडे को कोई भी आदमी अच्छा, नहीं दे सका। कॉन्फिडेंस वो अभिषेक शर्मा को भी बॉल लेके दे रहे हैं, वो ये नहीं कि शर्मा पहले ही ओवर करवाया है, 7 रन दिए। तो कह रहा हूं कि यार आप समझे नहीं, गेम में उतरने के लिए अपने लौंडे इतने तगड़े कर लिए उसने। देखा मैं एक बात और भी बताऊं, पैट कमिंस को देख के फीलिंग क्या आ रही है,
वो ये फीलिंग आ रही है कि ऑस्ट्रेलिया के जहन में अब ये है कि भैया पैट कमिंस अगर तुम T20 स्क्वाड में शामिल होगे तो बॉलर ही जा सकते हो, क्योंकि यहाँ उसको मौका है ऊपर आके खेलने के लिए। समझे नहीं, घर की टीम है उसकी, जब चाहे काव्या बरन को सेट करो और बोलते कि यार मुझे ऊपर खेलना है, कौन लाइक तो कर दो लाइक, मौका तो उसको भी लगा हुआ है। मगर ये कि जो बेहतर है उनकी बैटिंग लाइनअप आप देखें, कल तो नतीजा तो कल ही बता दिया था, हम तुक्के नहीं लगाते, बस मैच के एनालिसिस बता दिए थे कि ये बैटिंग के ताकत में सनराइजर्स इन पे भारी है, तो वो निकली क्योंकि बैटिंग की ताकत ही आ गई ना। 165 रन के जवाब में गेंदे अच्छी कर रहे थे, लेकिन अभिषेक शर्मा जब मूड बनाया हुआ है कि मुझे सिर्फ छक्के ही मारने, अच्छा मार्करम ने बहुत स्लो डाउन किया खेल, शुरू की उसकी बैटिंग देख लो 36/50, ट्रेवर्स हेड इतना स्लो तो वनडे में नहीं खेलता, उसने भी असल में इन्होंने मजे लेके रन बनाए, इन्होंने अपनी पब्लिक को पूरे मजे दिए, इन्होंने मेक श्योर किया है, क्योंकि रन रेट इनका आज के मैच को शुरू करने से पहले पॉजिटिव 2.52 था। नहीं नहीं, मैं आपको बताऊं सीधा सा सीन ये है कि जब इनकी दूसरी विकेट गिर गई ना उसके बाद जीत बड़ी जरूरी थी, क्योंकि दो मैच गलत हारे में है ना, दो दो हो गया, वो जो ढाई ओवर में नतीजा बना के चला गया ना अभिषेक शर्मा जिसका नाम है, उसने अपनी मर्जी की बॉलिंग के लिए अपनी मर्जी के वही तय हो गया था कि अबे 45 तो हो गए ढाई ओवर में, अब कहां रहोगे तुम, अबे उसने टारगेट ये लिया कि 40 रन मैंने 3 रन शॉर्ट जरूर है ना, मगर उसने यार मुझे दुख हुआ, उसने तंग नहीं किया 12 ओवर में, क्रिकेट में दुख नहीं होता, आज जो उसका गेम चल रहा था ना मैं देखना चाहता था, वो कम से कम 50 डिजर्व करता था यार 14-15 गेंदों, बड़ी इनिंग की तरह दो छक्के रहेगा उसके, देखिए उसको इस बात को यूज करना पड़ेगा, वो अपने अपने रन नहीं करना चाहता ना, उसने अपने रन की लानते देखी होंगी टीवी पे बैठ बैठ के। अहम बात ये कि यार ये देखिए वो अलग बात है कि आज चेन्नई ने भी बॉलिंग का आगाज ठीक किया था, वो पिट गया अलग सीन है, मगर ये कि पिच अलाउ नहीं कर रही थी, वो जो कैश उन्होंने किया ना, वो जो 6 ओवर जो कैश कर लिए, अब वही इनका मोमेंटम है, उसके बाद तो वो भी स्लो हुए, 100 रन के बाद तो 60 रन बनाने में उनकी ऐसी की तैसी हो गई है, वो देख ले कसाई को भी 11 बॉलों में 10 रन नहीं मिल सके, क्लासिक यार मार्करम तो बहुत बड़ा बैट्समैन है। तो भाई सीधी सी बात ये है कि एक मैच का स्टार्ट जो आपने दिया ना, जो वो स्टार्ट में आपको मंजन देके चला गया वो शर्मा ही था, इसका मतलब है शर्मा शर्मा से लड़ना यार, क्रिकेट लवर या फिर जतिन ने शायद, यार बड़ा अच्छा तुमने कल शशांक को एनालाइज किया यार, मेरे पास आया वो नजर में पड़ा मेरे तुम्हारा कमेंट, यार बहुत अच्छा एनालाइज किया तुमने कि क्रीज की डेप्थ को यूज कर रहा था क्योंकि टाइम होता है विकेट पे, बहुत अच्छा एनालाइज किया तुमने, फिर वो शॉर्ट आर्म से बहुत अच्छा एनालाइज किया, जतिन ने भी किया या क्रिकेट लवर ने किया, मेरे लिए तो हैरत की बात है, मुझे तो पता है ये दोनों बंदे इतनी खतरनाक समझ रखते हैं क्रिकेट की, एक चीज और मजा आया यार, बहुत अच्छा एनालाइज किया वो, अगर आप यहाँ से इसके रन देखे ना जो अजिंक्य रहाणे ने मारे यार, जडेजा को स्तंभर पे भेज दो आप, थ्रो अच्छी करता है इसमें तालियां बजाएं, क्या ग्राउंड में सबसे ज्यादा ये भागता है इस बात का, यार देखो ये ड्रॉप कैच का रोना क्या रो रो, हेड का कैच अगर पकड़ लेते तो क्या हार जाती सनराइजर्स, हेड थोड़ी अभिषेक मार रहा था भाई, कैचेस जो होते हैं ना इज अ पार्ट ऑफ गेम यार, एक आधा कैच का रोना नहीं बचाओ यार, ये पार्ट ऑफ द गेम है यार, इस पर हाय डालनी गलत है, मैं आज भी कह रहा हूँ हसन अली ने जो कैच छोड़ा था 2021 में वो पार्ट था, असल काम उतारा वेड ने और स्ट्रॉइनस ने, असल तुम लोग पिटे क्यों इतना, असल काम उतारा उस वक्त के कप्तान ने जिसने शाहीन को ओवर दिया, जिसकी रीडिंग ही नहीं थी, जिसने मार्कस स्ट्रॉइनस और वेड को हाथ खुलवाया हसन अली को बॉल देकर शुरू में, सबसे बड़ा नालायक जो वो विकेट के पीछे था, इसको पता ही नहीं था कि यार ये कहाँ पे हिट कर सकता है भाई, तू 13 मिनट में आरसीबी और आरआर के एनालिसिस चाह रहा है ना, क्या कह रहा है ये, एक है आरसीबी वर्सेस भाई, वो भी थोड़ी देर इस ये भी मैच हुआ है, ये भी कुछ पागल के बच्चे खेले, इन पे भी बात तो ले, इसका मजा ले रहा हूँ, कुछ नहीं कह रहा, अभी तो ये भी नहीं बताया कि उन्होंने टॉस जीत के आज फील्डिंग का फैसला क्यों किया सनराइजर्स ने, हाँ ये भी तो बताना जरूरी है, ये उन्होंने पता था रात को मार मार के धुम्मा बना देंगे, यहाँ पर 180 चेस कर कह रहे थे मुझे क्लासन से लोग खेलना है, नाराज था नाराज था, कह रहा था मैं आज दिमाग बनाया हुआ था 220 का इतने से रन, नाराज हो जाता है वो यार, वो बड़ा वो स्लो खेल में उसने चलो आज मैं भी सज्जू मज्जू खेलू, सनराइजर चेस करे कम से कम 200 प्लस रन तो मजा आ रहा होता है, सनराइजर बैटिंग बड़ी डेप्थ है इनके पास, नीचे तक सब लोगों की बारी नहीं आ रही, यहाँ पे झगड़ा इस बात का भी है बैट कमी से, कि सब कह रहे हैं कि भैया ये क्या ऊपर ऊपर के 4 करके निकल ले, हमारी बारी कब आएगी, आज भी 6 विकेटों से अकेले ही नहीं ना, आज वो कह रहे हैं कि बाहर बैठा हुआ था, बाहर बैठा हुआ था मुझे तो पता है, मैंने कहा बच्चों से पूछ लूं,
नहीं, वो तो मैं ख्याल में यार उसकी जगह ही नहीं बन रही थी, वो मैं क्यों नहीं बन रही थी उसकी जगह, मुझे लग रहा है कहाँ खेलेगा वो, छत पे खेलेगा टीम की? नहीं नहीं समझे नहीं, आप जगह आज बन सकती थी। अबे किसके, क्यों नहीं खेला वो ऐसी जगह पे जहाँ सिक्स सेटिंग है? सरकारी कोटे पे जडेजा का है ना कि भैया ये जहाँ पर होगा खेलेगा जरूर, ये स्क्वाड में बैठने वाली शक्ल नहीं है। अबे आराम करा दो यार, चाचा को एक आधा मैच आराम करा दो। नहीं नहीं रोहित शर्मा के लिए भी इनका पाव वाव खिंच गया था एक टेस्ट में। जो पंप किया है ना वो कलकत्ता को कर दिया पागल हुआ है, वो भी वो मुकाबले पे आ गए कि अबे हम तुमसे ज्यादा मारेंगे, 5 रन पीछे है उनका सेकंड हाईएस्ट। मगर ये मुझे लग रहा है कि 276 का जो या 278 का जो भी रिकॉर्ड है ये शायद इस आईपीएल में ब्रेक हो जाएगा, वो अलग बात है कि वक्त के साथ साथ 86 बनवाने वाले आप, मुझे लग रहा है 300 अब नहीं होगा। कोई नेपाली बॉलर हाथ लग गया ना, विशाखापट्टनम की जो पिच है इस पे ये रन बन सकते हैं, लेकिन एक बात बोलो, तीन ही अपोजिशन है भाई, अपोजिशन तीन ही है जो इतना तेज खेल सकती है। नहीं दिल्ली कैपिटल्स के पास, दिल्ली खुद भी खेल सकती थी लेकिन वो चेन्नई के अगेंस्ट वो वैसी 191 का मैच जीत गई। अब दिल्ली मुंबई जाएगी इतवार को मुंबई, तो यकीनन दिल्ली भी इस वक्त रो रही है कि हम जितना बड़ा मैच हार गए, क्योंकि विशाखापट्टनम अब उनका घर बना दिया, जबरदस्ती का घर हो गया उनका। वैसे तो उनका फिरोज शाह कोटला हुआ करता था, अब जबरदस्ती का घर बना दिया उनका कि बेटा तुम्हें हम बिल्कुल ही मरी हुई विकेट से उठा के जो है ना तेज पिच पे ले आए। ये मैं बता दूं, ऋषभ पंत है बहुत गुस्से में, ये मैं पांड्या को बता रहा हूँ कि तेरा पता है तेरे तुझ पे मुझे बुराई क्या लग रही है। अब ऋषभ पंत और स्टंप्स बड़े गुस्से में आ रहे हैं और वार्नर भी आ रहा है, क्योंकि वार्नर को पड़ रही है गालियां मिचेल मार्श की। हम जो भी कहे क्रिकेट तो खेल रहा है ना वो, उसके पास से भी अब तक रन नहीं हुए हैं। हाँ तो ख्याल रखना तुम। नहीं यार डीसी को भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा, डीसी यार रन बनाए, ये 5-6 की फौज इतनी खतरनाक लेके, मतलब कभी 225 किसी बैटिंग विकेट पे इनको बनाने चाहिए, डीसीओ से काम नहीं चलेगा। हाँ। डीसी को कुछ ना कुछ करना भाई, ये मिचेल मार्श कब तक पलेगा ये फ्री में, ये कब करेगा कुछ, 60-70 करके दिखा 35 गेंदों पे यार। कह रहा मैं आईपीएल की बात करूंगा, T20 वर्ल्ड कप में करूंगा। नहीं इसको तो फिर ट्रॉफी दे दो, ये पाँव रख के बैठ जाएगा। एक काम करो इसको रेप्लिका दे दो ताकि चूतड़ रख के बैठ जाए, पाँव रख दे तो वो जो है लाड़ा। अब वो वैसे उसको आउट करना मुश्किल नहीं है, मैं हमेशा से बताता हूँ क्रिस्टन स्टब्स को, लेकिन ऐसे लोग कैफियत होते हैं जिस दिन इनके बल्ले पे बॉल आए ना चलाते हैं, लेकिन देखो गेम में वीकनेस है, उसका हाथ फंस जाता है ना वो हाथ बहुत, वो है बेसबॉल। अच्छा, ये दोनों को मैंने देखा है, डिवाइड को और इसको स्टब्स को, इन ब्रेविस ये बहुत तेज हाथ चल रहा है, इसको डालेगी मुंबई, लगता है कि शायद ये कुछ और ही खेल कर आ रहे हैं। ये सूर्या की आमद ही सिर्फ तख्ता पलट सकती है इनका, क्योंकि सूर्या एक अलग कैफियत है, पब्लिक किसी के पीछे हो नहीं हो मैदान में, सूर्या के पीछे होगी। सूर्या कुमार की खबर तो आई है मार्केट के अंदर के वो नाराज तो नहीं है, मगर वो फिट हो गए, अब फिट हो गए। अच्छा वो मुंबई इंडियंस में पांड्या 11 में फिट होते हैं या नहीं, क्योंकि अगर पांड्या को एक गुस्सा इस बात पे भी होता है ना कि मुझसे बड़ी खबर किसी की ना लगे, ठीक है ये बात भी खार खाती है उनको, तो मुझे लग रहा है कि सूर्या कुमार ये ना हो कि उनसे जो मैजिक एसोसिएट किया जाता है T20 में, खास तौर पे जो करते हैं 360 या 380 वासे कहते हैं 380, तो मैं ये कह रहा हूँ कि नहीं, वहाँ तो 1440 तो है ही वो, ठीक है वो 1440 जो एसोसिएट किया जाता है खास तौर पे T20 में, ODI में तो खैर नहीं, मगर ये 360 × 4 360 × 4 = 1440 उनको कम से कम अपने आप को शो करना पड़ेगा डिफरेंट, ठीक है मुंबई इंडियंस उनकी वेट लिफ्टिंग थोड़ी है। सूर्या जिस तरह खेलता है उसके लिए यही टर्म है कि वो चारों तरफ नहीं, वो 16 तरफ खेल देता, 16 तरफ। मैं ये नहीं कह रहा वो सबको हर मैच जिता देगा, हमेशा से कहता हूँ, लेकिन जो रेंज जो उसके पास है यूं वो जो खेलता है वो कोई नहीं खेलता ना मॉडर्न डे क्रिकेट में, वो जो फैंसीपन है उसके अंदर। जब एबी डिविलियर्स खेलते थे वो अपने हिसाब से खेलते थे, बटलर आया मार्केट में, बटलर के चंद अपने शॉट थे, उसे आप 360 क्योंकि वो नॉर्मल कन्वेंशनल 360 खेलता था। सूर्या अनऑर्थोडॉक्स क्रिकेटर है, तो यहाँ वो आप आईपीएल में मुंबई इंडियंस फैंस के मजे तो करा सकते हैं अपने कुछ डिफरेंट शॉट्स खेल के, या हो सकता है कोई इस दफा नया पिटारे में लेकर आया हो, कोई नया शॉट लेकर आया हो, तो वो मजे तो करा सकते हैं। क्या वो मुंबई इंडियंस को वहां से बाहर निकालेंगे नहीं निकालेंगे, क्योंकि पोटेंशियली अगर देखा जाए तो सूर्या कुमार ही रोहित शर्मा के बाद एक ऐसी एसेट थे मुंबई इंडियंस के पास, जो 2010 से
इतना खेलने के बाद डिजर्व कर रहे थे 14 साल के बाद कि मुझे पाला पोसा जवान किया, कपड़े दिए, खेलने को दिया, ग्राउंड दिया, बड़ा नाम दिया, मैंने भी प्रूफ किया कि मैं भी बड़ा खिलाड़ी हूँ, मैं कप्तान बनने की अहलियत रखता हूँ, ये कहने से पहले ही पांड्या उतर चुके थे ग्राउंड में कप्तान। आज नहीं मारा, इसने थक गया है। नहीं, उसको प्रिडिक्ट हो गया ना, आगे का बॉल इसको स्लो कर दो, खड़ी कर देता है। नहीं हुआ, पता है क्या है, तेज करो, बताओ हुआ क्या, पहले जाएगा रख के। एक और बात हुई है, अब ये सीएसके जो है चैपुक के स्टेडियम में चेन्नई में, इनकी इंटेंट अपने क्राउड में, यकीनन क्राउड आपको बैक करे आप कुछ और हो जाते हो, तो बात ये कि अपने लोगों में इनकी इंटेंट कितनी जबरदस्त होती है। एक सच है कड़वा, ऋतु की कप्तानी में, इस मैच को हारने पे भी नहीं कह रहा, उसकी कप्तानी बहुत बुरी नहीं है, लेकिन एक सच समझ लो, ऋतुराज गायकोट को सामने वाले एंड पे दो तीन डॉट खेलते हैं, सिंगल करते हैं, बड़ी मुश्किल से मारते हैं, छक्का आज मारा जो राणे ने, सीधा चौका मारा उसने, छक्का मार दिया। बट यार कभी कभी ऋतुराज गायकोट के सामने रचिन रविंद्र थोड़े मायूस लगते हैं, कि उन्हें लगता है कि कुछ बड़ी इजी सिक्स हिटिंग बॉल्स को, क्योंकि ऋतुराज के साथ आप कॉम्पैक्ट का वर्ड यूज करते हैं, कॉम्पैक्ट है यार, ओवर अटैकिंग आपको खेलना पड़ता है, असल में कहीं ना कहीं बोर हो जाता है वो, इतने कंपेटिटिव मैच होंगे या हनीमून तो चल नहीं सकता, असल बात सीधी सी है। तो ये वक्त के साथ साथ उनका हनीमून भी ओवर हो जाएगा यहाँ पे, मतलब वो जो एबिलिटी उनके अंदर है वो तो रहेगी, जब तक उसको अपडेट नहीं करेंगे, अपग्रेड नहीं करेंगे, इस पर काम नहीं करेंगे, ये प्रिडिक्ट होती रहेगी। मुस्तफीद ने बसाया हुआ था इनको, मैं यही कह रहा हूँ कि जरा ये भी देखना, अपनी ट्रेनिंग की बात कर रहा हूँ, ट्रेनिंग वीडियो में आप देखिएगा, मुस्तफीद ने इसको बसाया हुआ है, यहाँ का जहाँ कटर स्लो मिल रहा है ये फंस जाता है वहां पे, इसकी टाइम आउट हो जाता है। तो ये देखना पड़ेगा कि यार इसको अगर हर दफा पेस ही थोड़ी है, मुझे एक कनेक्शन और भी है, मयांक का कनेक्शन जब आता है ना उसका पेस बहुत ज्यादा है। अच्छा, इसके पास भी एबिलिटी है, तरह ये भी एक मुकाबला देखना पड़ेगा रविंद्र का और मयांक का, मगर ये कि ये कहीं ना कहीं ये दूसरी मरतबा मैंने देखा है कि बॉल खड़ा कर दिया मयांक यादव। हाँ, मयंक यादव नहीं छोड़ेगा किसी को यार, मुझे इससे डर लग रहा है, मैं ये तुम्हें कौन रविंद्र पिटेगा यार, कौन सा दुनिया का ऐसा बॉलर है जो नहीं पिटा, रविंद्र जडेजा की बात कर, एमरोज और वॉश, कॉटनी वॉश और कर्टली एमरोज कभी नहीं पिटते थे, सच बोल रहा हूँ, उन्हें कोई खुल के नहीं मार सका था। एक वक्त आया 1993 शारजा में फाइनल हुआ, बासित अली पाकिस्तान का एक ऐसा नाम जिसे कोई नहीं जानता था उस वक्त, बासित अली ने 127 रन उस दौर में बना दिए पता नहीं कितनी कम गेंदों पे। तो बात यह कि वो उस वक्त के हिसाब से जो खेले थे ना, वो उस वक्त का T10 भी T10 से भी कोई आगे की ही क्रिकेट खेल गए थे। 70 प्लस बॉल थी, आई थिंक। हाँ, किस्मत की खराबी क्या हुई, क्योंकि पाकिस्तान के पास ये थे, ये जो लेजेंडरी आज बैठ के साजिश करते बच्चों को भगाने की, ये वकार यूनिस, बेकार यूनिस, अताउर रहमान, ये पाकिस्तान हार गया फिर भी वो मैच 284 करके, अताउर रहमान ना दीन ना ईमान। अब वो 284 करके क्यों आ रहा मैं समझा देता हूँ, क्योंकि 39 ओवर तक तो इनके रन ही 125-30 थे, ये सारी बासित अली। अच्छा, उस मैच में सलीम मलिक ने भी 70 किए थे बासित अली के साथ खड़े होके। तो उसके बाद क्या गेम बना, गेम ये बना कि वो कौन क्या नाम था, सलीम मलिक कर रहे बॉलिंग, कॉटन बोल्ड भी लिया, ब्रायन चार्ल्स लारा ने उसी मैच में 153 रन करे, और पाकिस्तान वो मैच हार गया और बहुत आसानी से हार गया। कोई बात नहीं, टॉस पे भी हार जाते थे हम तो बाद में। तो वॉश और एमरोज की उस दिन जूते लगे। तो बात है कि सब पिटते हैं यार, और एक्स्ट्रा पेस जिस दिन किस्मत मेहरबानी होगी तो एक्स्ट्रा पेस वाला बॉलर पिटेगा जरूर। बट सो फार सो गुड, बिकॉज एक अच्छा ब्रेन है उसके पास, दिमाग से काम करके बॉलिंग कर रहा है। हर दफा वो 4 ओवर में 14 रन नहीं देगा, उसकी वीडियोस अब लोगों ने ज्यादा देखनी शुरू कर ली होंगी, और अब आपको लगेगा कहीं ना कहीं उसका एक आधा ओवर कोई आड़े हाथों ले सकता है, या उसके अगेंस्ट आपको 2-3 स्ट्राइक्स लग सकती है। बट मैं फिर भी कहूंगा कि विथ द पेस ऑफ 153 और 154 जस्ट बैक ऑफ द लेंथ, कुछ बॉल्स चाहिए बॉस अभी भी बड़े बड़े नामों को ऐसी बॉलों पे पुल वुल पे छक्का मारने के लिए। ये अलग बात है, टॉप एज हो जाए अलग बात है, पूरी अथॉरिटी से, चाहे छोटी बाउंड्री हो। वो रिकी पॉन्टिंग ही था जो शोएब अख्तर को 154 की स्पीड पे रख देता था लेंथ से ही। मगर यार एक बात है, रिकी पॉन्टिंग अपना फेवरेट शॉट खेलते हुए भी जो है ना वो शोएब अख्तर को डिसीव करते थे, वो अलग बात है। मगर ये एक दो दफा मारा भी, ये 160 मार देगा, ये 160 नहीं मारनी है, 161.4 मारनी है। अरे क्यों घुटने का रिकॉर्ड तोड़ने के चक्कर, उनका रिकॉर्ड से मेरा कोई ताल्लुक ही नहीं है टूटा, वो तो एक टीआरपी है कि यार शोएब का
इससे होना क्या, होना क्या आईपीएल में भाई, वो अपने मुल्क के लिए खेले, भारत के लिए। बेटा 162 मार दे, मयंक में तुम्हें अभी खबरदार कर रहा हूँ। लेकिन जो उमरान मलिक के चक्कर में ये लड़का गायब का था, ये पिछले साल भी तो आ सकता था। मैं खबरदार कर रहा हूँ मयंक, एक बात ध्यान में रखना, अगर तो तुम्हें कोई ये मैसेज दे के उन्होंने भेजा है कि कमर तोड़ दो, पसली तोड़ दो, इस पर ना जाना, वरना अच्छी बॉलिंग कर रहे हो दिमाग से, वरना तुम क्रीज के अंदर ही रह जाओगे, क्रीज से बाहर नहीं आओगे। नोट मैनेजमेंट भी बड़ी जरूरी है इसकी, डेफिनेटली की जा रही होगी ना यार। और खास देख लिया मयंक वर्सेस बाबर, कौन अबे इतनी तेज नहीं कराना यार, आराम से भाई। अबे भैया ये वाली इमेजिनेशन, इतनी तेज नहीं खेली उन्होंने कभी, बदतमीजी नहीं करो। देखो यार कुछ बॉलर ऐसे होते हैं जो 135 से 140 आपको, आप उनको देखकर 145 तक चल जाएगा। ये वो वाला आदमी जिसको देख के सांस भूलती है, इतना तेज नहीं यार, ये टीवी पे इतना तेज है मैं पकड़ नहीं पाता उसको। ठीक है, ये तो खेलने में तो दूर की कहानी है, और फिर ये इतने तेज बॉलर के इतना स्लो बल्लेबाज करेगा क्या? ठीक है, रोहित वर्सेस मयंक, रोहित यार ये तुम लोगों ने अच्छी बात, रोहित हम हमेशा सच बोलते हैं। रोहित शर्मा भी अपने करियर की अब उस जगह पर आ गए कि जहां 19-20 रिफ्लेक्सेस थोड़े से कम काम करते हैं, लेकिन अभी भी वो पीछे का गेंद बड़ी जल्दी पिक करते हैं। हाँ, ये कोई चौड़े की बात नहीं है, रोहित शर्मा अपने एक्सपीरियंस के साथ बैक ऑफ द लेंथ गेंदों पे मयंक की पिटाई भी कर सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली देखें वो आउट को ना देखें, जिस लेंथ पे उसने कैमरन ग्रीन को बॉल किया था तो वो ऐसी खतरनाक लेंथ होती है, ना आप आगे आओगे ना पीछे जाओगे, और इतना टाइम थोड़ी होता है नैनो सेकंड के भी पता नहीं कितने कम, भाई यूं लगाना है बल्ला वरना गए। नहीं यार भाई, इतना टाइम नहीं है उसकी बॉल में, और वो चलाक है, वो जब स्लोअर वन करता है कदरे आगे करता है कि अच्छा अब भी तुम्हें, अच्छा अब मैं तुम्हें वो गुरु दे रहा हूँ, मैंने कहा ना कभी कभी कुछ चीजें मैं बचा के निकालता हूँ, ये भी नहीं सुना होगा कभी, जब 7-8 मीटर पे अगर आप स्लोअर वन करते हो ना, भले आप जितने तेज हो 120-125 की, उस बॉल में भी वक्त नहीं होता, क्योंकि बंदा एकदम से सिर्फ यही जज कर पाता है तुमने स्लो छोड़ी है, उधर भी वो बंदा चलाता है, इसलिए ये अपनी स्लोअर वन पे विकेट ले रहा है। मैं एक बात, क्योंकि स्लोअर वन ये बहुत पीछे नहीं करता, अगर जो जो खेलता ही लेट है, कौन है नहीं वो कुछ और है, टाइमिंग आउट करना एक अलग बात भाई। मैं बात बताऊं, मैंने उमरान मलिक को भरपूर देखा, मैच में लेट हो जाता हूं जिताने में भाई। उमरान मलिक जब पहले दिन भी आया था, दुनिया ने बहुत कुछ कहा था, हमने कभी भी ओवर प्रेज नहीं किया, बॉल देखकर अंदाजे हो जाते हैं, मैंने कहा बट ठीक है, इसे अभी खेलने दो, मैच्योर हो जाए। अच्छा मैं आपको, चलिए मयंक ये इतना मैच्योर होके आया है कि ये मुल्क का दरवाजा खटखटा रहा है दो ही मैचेस के बाद। मैं अब फिर तुम्हें बता रहा हूँ, मयंक के लिए ये प्लेटफॉर्म है ही नहीं जहाँ पे ये जज किया जा सके कि ये बॉलर अच्छा हो गया। ठीक है, अब मैं आप जरा मैं वेस्ट इंडीज के भी अरमान ठंडे कर दूं तुम लोगों के, एक चीज और बता दूं आपको, अभी ऐसा फास्ट बॉलर ना बेटा गड्ढे में भी फांसी बॉलर होता है, फास्ट ही रहेगा। मैं आपको जरा एक छोटी सी एग्जांपल की तरफ ले आता हूं, ऑस्ट्रेलिया टूर किया पाकिस्तान ने, ठीक है व्हाइट बॉयज रहा तीनों, मगर पाकिस्तान ने 2 मरतबा ऑस्ट्रेलिया को आउट किया, पूरी ऑल आउट किया। उसमें आपने खुर्रम शहजाद को भी देखा होगा, लेट स्विंग है, टेस्ट का बॉलर है वो। मैं ही कह रहा हूँ कि जब ये इस फॉर्मेट में उतरेगा ना, वहां जज किया जाएगा कि ये क्वालिटी कितनी कंसिस्टेंट है, क्यों कि वहां टाइम है, वहां टाइम है। देखिए T20 में वो ठीक है, एक फास्टेस्ट डिलीवरी मारकर या सेंसेशन बनकर ज्यादा अरसे नहीं चल पाएगा, जब तक फॉर्मिडेबल जी नेचुरल रखे अपना खेलेगा, और वनडे में इसकी एवरेज स्पीड 150 के अंदर ही होगी। अभी यहाँ पे पिट भी जाएगा, ये लुक्स टू हॉट टू हैंडल यार, ये 60 रन भी खा ले अगर इस फॉर्मेट में तो आप कोई ये नहीं प्रेडिक्ट कर सकते, नहीं खाए हुए यार। ये देखे ये लाल बॉल पकड़ के फेंक नहीं देता कि मैं नहीं खेल रहा जी, ठीक है, ये लाल बॉल पकड़ के जिस दिन भागेगा ना उस दिन आपके साथ, उस दिन पता चलेगा भारत को। अब भारत को तय ये करना है कि मयंक यादव T20 में मैच विनर बनेगा या वो भारत, क्योंकि देखे टेस्ट मैचेस में इंडिया को फास्ट बॉलिंग में ओवरसीज मसला है, ओवरसीज मैंने वर्ड बोला है, क्योंकि घर में तो आपके जितने भी टेस्ट होते हैं आपके स्पिनर प्लस बुमराह ही इनफ हो जाते हैं, बुमराह नहीं था तो सिराज अपना रोल हिस्सा, वरना शामी भाई आ जाते हैं हल्की वाली बॉल लेके, बल्कि भारी वाली बॉल लेके, ठीक है। तो अब क्या है कि अब आप जब बाहर जाते हैं जैसे WTC का फाइनल, तो आपके पास वो वाला एक्स्ट्रा वाला आदमी नहीं होता जो यहाँ यहाँ करे एकदम 150 की चार गेंद। देखो ये जो 150 हम एसोसिएट करते हैं दुनिया का कोई भी फन्ने खान पूरा ओवर लगातार 150 से ऊपर नहीं कर सकता, शोएब अख्तर ने अपनी भरपूर फिटनेस के दिनों में किया है 2-3-4 दफा,
वरना उसमें भी उनकी दो गेंदे अंडर 150 आती हैं। तो ये सिर्फ यही होता है कि दो तीन ही एक ओवर में दो ही सरप्राइज गेंदे होंगी जो ओवर 154-155 जाएंगी। जी, जी, जी। और अगर कोई बॉलर इतना जोन लगाने लग जाए तो डेफिनेटली उसकी फिर उम्र कम हो जाती है क्रिकेट वाली। जी हाँ, हो जाती है। दूसरा ये कि जब ऑस्ट्रेलिया टूर आएगा, ये ऑस्ट्रेलिया आएगी खेलने, या फिर आपको इवन जब ओडीआई इवन टेस्ट, ये दो फॉर्मेट है यहाँ पे मुझे देखना होगा कि भैया ये कंसिस्टेंट कितने हैं, क्योंकि यहाँ इसके चैनल देखना पड़ेगा कि एक चैनल पे रहता कितना देर है, ठीक है, क्या बैट्समैन इसको रीड कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है, ये बहुत सारी चीजें। T20 में तो एक बॉल के बाद बैट्समैन की सोच ही होती है। रसल के अगेंस्ट इसको देखना चाहता हूँ, उसका बल्ला तेज चलता है, मगर पता तो चलेगा अगर ये पिलाना सही। यार बहुत अच्छे भाई, जिसने भी लिखा है बहुत अच्छा कंपैरिजन लिखा है तुमने, रसल जो करंट फॉर्म है, रसल और इसका गेम देखकर आपको समझ आएगा। वैसे तो मैं मेरी राय है रसल डर जाएगा, जाएगा पीछे आप समझे नहीं, मैंने उस दिन कहा था ना लोग शायद इसको पकड़ा नहीं, संजू सैमसन की जो विकेट इसने ली है, संजू सैमसन पहले बैकफुट पे गए और फिर ये लेग स्टंप पे पीछे निकल गए। आप अंदाजा, वो आप समझे नहीं, बॉल से उतर रहे थे, अरे बॉल का पेस इतना था कि वो फेस ही नहीं कर पाता, सीधा बल्ला लाके आप फट जाते हैं क्रीज से उतर के। आप रसल कोई मतलब स्टील मैन थोड़ी है साला, कोई मारता तेज है वो, बॉल भी ये अलग बात है कि जिस दिन बॉडी से दूर करेगा उस दिन पिटेगा बहुत, जब तक बॉडी बजी पड़ी रहेगी। स्पिन को बड़ा तगड़ा खेलता है, लेकिन ऐसा नहीं कि वो पेसर्स को अच्छा नहीं खेलता। बॉलर इन हिटर्स के खिलाफ इसका इम्तिहान तो होगा बिल्कुल, और इन हिटर्स का भी असल इम्तिहान मयंक के सामने होगा, क्योंकि बाय फार द मोस्ट क्विकेस्ट बॉलर इन दिस ईयर्स आईपीएल। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि जब तक बॉलर अपनी पेस से बॉडी पकड़ के रखेगा, दुनिया का कोई बल्लेबाज इतना चौड़ा नहीं देखा मैंने कि भैया वो पुजारा जैसा नहीं हो सकता कि उंगलियां सूज गई पट्टियां करा ली उसकी, बच्ची परेशान है, मुझे याद है वो सीरीज क्या, वो कितना सूजा है यार वो ऑस्ट्रेलिया वाली अल्टीमेट है ना, 17-18 बॉले खाई थी अपने मुल्क के लिए, हर जगह से तो पुजारा का उसी सीरीज की वजह से सबसे ज्यादा एहतराम करता हूं। अश्विन का भी उसी सीरीज से जो एहतराम था वो कितना बढ़ गया था, तो उनकी बेगम ने ट्वीट की थी, वो बैठ के खड़े नहीं हो पा रहे, उसने कहा वो सुबह से खड़ा ही रहा, अबे पिच पे भी आया खड़ा ही रहा। स्पिनर का बॉल, लेग स्पिनर का बॉल भी अगर पसलियों पे लग जाए ना जी जी, तो 3-4 घंटे के लिए सिकाई होती रहती जी, या फिर हो करना पड़ता। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ मोमेंटम होता है हार्ड बॉल में, मयांक पे T20 की जो जिम्मेदारी पड़ी है उसमें पूरा हो जाए अलग बात है, आगे बड़ी क्रिकेट के अंदर इसको फॉलो सुपर किंग्स। इसे हम ये नहीं कहेंगे कि चेन्नई सुपर किंग्स का ऑफ डे था, ये बड़ा आसान तज्जिया होता है। बेसिकली हुआ क्या कि आप अपना होम मैच जीत जाग के आप बाहर निकले, तो आप ओवरसीज किसी और के घर में आप जेर हो गए, क्योंकि उनका क्राउड था, आप पंप अप नहीं हुए उतने, वो तैयार थे आपके एनकाउंटर के लिए, आपकी प्रिपरेशन थोड़ी लोअर साइड पे लगी। अगर आपने बल्लेबाजी उन्होंने दी, अगर बल्लेबाजी आपको करने को कहा जाएगा, तो आप डेफिनेटली जिस टीम ने इस टूर्नामेंट का रिकॉर्ड ब्रेकिंग स्कोर बना दिया, हाईएस्ट एवर टोटल इन द हिस्ट्री ऑफ आईपीएल 277, आप उसके खिलाफ उसके मैदान में, मैं पिच के स्क्वायर को तो छोड़ दो, उसके मैदान में आप कम से कम 210 वाली सोच लेके तो जाओगे ना कि यार हम इतने रन तो बनाएं कि हम इन्हें चैलेंज करें। आपके रन अगर बहुत नहीं तो 20-25 रन आप शॉर्ट आए थे, क्योंकि सनराइजर्स का एक ना एक आदमी अगर इसी तरह से 300-400 के स्ट्राइक रेट से 30-40 रन बनाते हर मैच में, तो इनके खिलाफ टीमों को 190-200 से ऊपर ही देखना होगा। नहीं धोनी, मुझे ऐसा लग रहा है यार थोड़ा सा, अब जहां आप देखे, मैंने बता दिया ना कि पावर प्ले के अंदर जब तक आप कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे आपका मुश्किल रहेगा। चेन्नई का मसला ये यार है, पिछले 4 मैचेस के 3 पावर प्ले ऐसे हैं सिवाय डीसी के जहां पर चेन्नई सुपर किंग को मुश्किल हुई है, आज भी 43 मतलब जो बुरे हाल इसके रहे। धोनी को मैं ही नहीं कह रहा कि मेरी बात मान ले भाई ना, या फ्रेंचाइज की मान ले, सिर्फ ये कि यार अगर आपने जाया करना है इसको क्या नाम है अजिंक्य रहाणे को, वो ठीक है उसको आपने खिलाना है, हमें पता है फार्मूले में उसका नाम आया हुआ है, उसको आपने रखना है, तो किसी एक दिन ऊपर आके आप भी ट्राई मान ले यार। धोनी आ नहीं रहे, जिस तरह की हिटिंग फॉर्म थी अगर आज आते और कुछ स्ट्राइकिंग करते तो फायदा। देखे फिर ये मार्जिन भी रखे कि आप टीम मैन बन के खेलना चाह रहे हैं ना, तो फैंस को छोड़े, अब आप CSK में तो नहीं थे, चेन्नई चेकबुक में तो नहीं थे, आप अब आके वन डाउन प्रमोशन करता रितु उनकी, तो डेफिनेटली अगर वो 15 गेंदे खेलते तो रहाणे से तो बेहतर रिजल्ट आता आज के दिन। इसका ये मतलब नहीं रहाणे चार पे हो जाता, कभी कभी आप सिचुएशन देख के बैटिंग को ड्रैग करते हैं, तो वो वाली इंस्टिंक्ट हम ऋतु को ही कहेंगे, क्योंकि ऑफिशियल लीडर इज ऋतुराज गायकवाड़ नाउ, ऑफिशियली लीडर तो वही है, ठीक है, क्योंकि कल लोगों को कुछ भी लगाओ सन रहा, अबे भाई वो बच्चों की खुशी पे तो पागल हो गया मैं, शशांक
जिसका जिसको बच्चे ने याद दिलाया बाद में, नहीं, मैं उसका तो पर्चे पे नाम आया तो इन्होंने कहा हमने गलती से बोल दिया दूसरा शशांक समझ के पंजाब वालों ने, ये तो हादसा ही मिला इनको, लानत है इन पे, लानत है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि धोनी सिर्फ डिफेंड करने में मेजबानी के फरायद अंजाम ना दें, ऋतुराज गायकवाड़ के साथ जरा बैटिंग ऑर्डर में भी कुछ तब्दीलियों के साथ कुछ कुछ फैसला करके देख लें। ये अलग बात, ये कहना कि यार पांच जीते हुए दो चैंपियंस लीग ये कंसिस्टेंट है, बैटिंग भी अच्छी है हमारी, वो ठीक है यार, वो सब चीज हुआ करे, मगर ये कि अवे मैचेस में खास तौर पे अदर देन चिन्ना स्वामी कोशिश ये करेंगे, शर्मा को मैन ऑफ द मैच मिला है, नहीं तो क्या हम रोक लेते क्या? नहीं वो बता रहा है तो मैंने कहा बुरही को, मैंने पहले तुम फिर लेट ज्वाइन करा है तुमने, मैंने कहा ये जो ज्यूरी होती है आईपीएल की, ये भी पता चलता है कि ये ऐसी लीग है जिसमें 25 करोड़ का भी आदमी है, क्योंकि हमारे यहाँ कुछ मैन ऑफ द मैच इतने बेकार थे, इवन बांग्लादेश प्रीमियर लीग में उमर जई ने मैच जितवाया और सुस्ती की दुकान को मैन ऑफ द मैच मिल गया। मैं किसी बुराई में नहीं कह रहा, बाखुदा सिर्फ क्रिकेट की एक सेंस होती है, मैन ऑफ द मैच मिलता किसको, यहाँ पर भी जिसकी वजह से गेम घूमो, यहाँ पर भी याकूब शेणे ने जिताया मैच, उसके 36-37 थे, मार्करम के 50 थे, लेकिन मैन ऑफ द मैच अभिषेक का इसलिए था कि उसने 8.2 रन फ्री ओवर के चेस को पहले ही 13 रन में बदल दिया 3 ओवर में। यार मैच का असल में आप समझे नहीं, चेन्नई की चेन्नई अगर ये मैच जीतता तो इंपैक्ट किसने डाला चेन्नई में 24 पे, ये मुकाबला चला है, हम डूबे ना यार, असल में तो चेन्नई का है, चेन्नई की जो ब्रिलियंस आई वो डूबे की कंसिस्टेंसी तो बहुत हार्डली फेल हो रहे, एक आध में फेल, सनराइजर्स की अगर आप जीत को रिप्ले करेंगे तो आपको शर्मा जी नजर आएंगे, क्यों नहीं करता ये, निकालते हैं आप 12 बॉल, अबे समझे नहीं, अबे 11 बोले थी आखिरी में, 80 क्यों नहीं करता तू, जब सेट हो गया तो 80 क्यों नहीं करता, इसको जो दवाई दी गई है ना वो इतनी दी गई है कि पहले को मार रहा था पिछले से, पिछले सीजन में तो बड़े रन कर रहा था, ज्यादा दवाई लेके जिस कम कम कर रहा है, थोड़ी दवाई असल में, दवाई अब असल बात जो ईमानदाराना है, अच्छा हम आईपीएल में पैट कमिंस की कप्तानी का क्या बताएं, जैसे जब तक धोनी खेलते थे या आईपीएल तो हम क्या धोनी को आईपीएल की हार और जीत पे परखते थे, पैट कमिंस भी बड़ा कप्तान, पैट कमिंस ना होता बड़ा कप्तान है भाई, तो कोलकाता शायद इक्का दुक्का मैचेस भी ना जीत पाती, इसकी बैटिंग से जीते थे दो बार, तो मैं जब ही तो कह रहा था कि इसने लास्ट बॉल पे चौका नहीं मारा अर्चित राणा को, वरना ये तो बैट से मैच जितवा चुका है 2-4-5 आईपीएल में। अच्छा फिर ये बहरहाल पैट कमिंस बहुत बड़ा कप्तान है, अगर आप कप्तानी का भी कंपैरिजन करें, दो ट्रॉफीज भी हैं उसके पास, एक तो टेस्ट चैंपियनशिप की मेगा, फिर वर्ल्ड कप की अभी रिसेंटली, सही बात, तो कमिंस की एक नजर है और फिर कमर है फिर कद भी है, काव्या मरन को वो टोस पर ले आया है, मजाक की बात में नहीं कह रहा हूँ, जिस तरह उनकी ओनर लास्ट टाइम वो बेचारी सिर्फ मायूस रही, सिर्फ मायूस रही, वो हैरी ब्रूक को लेके एक उसने सेंचुरी भी मारी, हालांकि हैरी ब्रूक ने, लेकिन बाकी 11-10 मैचों में सिर्फ मायूस रही कि अबे तू इतना प्यारा है तू रन क्यों नहीं बना रहा, ये आईपीएल से बाहर नहीं हुआ ब्रूक, ये बर्बाद हो गया, ये टी20 वर्ल्ड कप में भी नहीं है, और इसको ले लिया, इसको पता नहीं क्या रॉय के चक्कर में लेके पता नहीं क्या क्या ड्रामा करके इसे डाल दिया था, इसका वर्ल्ड कप भी फारिग किया, अच्छा बुराई नहीं है, वो है यंगस्टर अच्छा है, वो आगे करेगा, उसके सामने लाइफ पड़ी है, लेकिन वो जितनी हाइप उसकी बनी थी वो हमारे यहाँ बनी थी, क्योंकि हमारे यहाँ बॉलर ही नहीं थे, फिर हाईवे की विकेट थी, अबरार को खिलाया था, मैं ये कह दूं अबरार वर्ल्ड क्लास था तो भाई माजरत, अबरार की खुद डेब्यू सीरीज थी, थक गया वो तो रात को भी बॉलिंग करा रहा था सपनों में कि भैया मेरे को तो एक एंड पे लगाया हुआ है, वो तो शिकायतें की है लोगों से, कभी तो पूरे दिन मुझे ही बॉल देके रखते थे, नहीं नहीं वो तो जिसके आज मिलने जुलने वाले भी उससे नहीं मिलना जुलना छोड़ दिया था, क्योंकि वो हरवा खाद चला रहा था, यू कोई भी गोल चीज आ जाए पकड़ता था और घुमा दिया करता था, मसला कुछ और हो गया था बेचारे का, शादी मरीज हो गया था, मगर ये कि ब्रूक बॉन्ड का लड़का होता ना तो ये शायद चलता रहता, ये हैरी ब्रूक का लड़का था, इसलिए थोड़ा थोड़ी देर पहले एक बंदे ने बड़ा अच्छा कमेंट किया था, अगर जिंदगी में कभी ऐसा हुआ तो ये अच्छा बैटल होगा कि मयंक वर्सेस चाचा इफ्तिखार, पता क्यों होगा, इफ्तिखार अहमद वैसे कोई बहुत बड़े बल्लेबाज नहीं है हमारे, हम जो भी उनका बताते हैं वो उनकी ताकत बताते हैं, लेकिन इफ्तिखार इज वन ऑफ दोस्त जिसे तेज बॉल चाहिए, जिसे बॉल बैट पे चाहिए, फंस फंस के आता है ना तो वो खुद फंस जाते हैं चाचा, वो आपको पता है बंदा वाइंड अप करता और ढंग चलाता है, तो अगर कभी जिंदगी ने वफा की तो ये भी देखेंगे, लेकिन डेफिनेटली इफ्तिखार हिटर है तो हिटर बल्ला पूरा उठाएगा, तो मयंक के खिलाफ आप इतना बल्ला जब उठा लेंगे तो टांगे भी उठ सकती है, वो मैनेज नहीं कर पाता बॉल को, वो अच्छा स्ट्राइक कर लेता है थोड़ा सा, ये इफ्तिखार का, मगर ये बाबर को बताइए, मेरे पास इस चीज को लेके भी कोई इमेजिनेशन नहीं, मैं सच बात, बच्चे कह रहे थे मैंने कहा ये अच्छा बैटिंग कभी हो सकता है, ये 2025 में तो पॉसिबल हो सकता है, पहले तो मयंक भारत का खेल, पहले तो उसका खेल, अच्छा हाँ मैं फिर भी एक बात पे बजित नहीं हूँ, मेरी ख्वाहिश भी नहीं है, मैं ये जो
तजिया दे रहा हूँ दो दो दफा से कि मयंक अगर 5-6 मैचेस में अपना लोहा मनवा ले, मुश्किल हो जाए मारने पे, तो वो इंडिया की में क्यों आ सकता है वर्ल्ड T20 में? बुमराह के अलावा इंडिया के सारे बॉलर इस फॉर्मेट में कंप्रोमाइज हुए हैं आखिरी 8 मैचेस उठा लो। अच्छा, इवन सिराज भी हर्षदीप स्विंग और डेथ में खूब पिट रहा है। हर्षदीप डेथ का ही बॉलर था ना, खूब पिट रहा है। इसलिए T20 में पांड्या कप्तान हो, अभी तक तो रोहित थे ही नहीं, इन्होंने ज्यादा रिलाय करना मुकेश पे शुरू किया। मुकेश फिर भी एक एरिया पे पकड़ लेता है, पिट वो भी जाता है। मगर एक बात आप ये देखिए, इसलिए मैं कह रहा हूँ मयंक की तरफ इंडिया देख सकता है T20 फॉर्मेट में। चार मैं समझता हूँ 15 के स्क्वाड में 4 पेसर अगर जाए तो ये एक पेसर हो सकता है, क्योंकि 2-3 के अलावा मुझे चौथा पेसर कंफर्म नहीं लगता। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कंसिस्टेंसी भी देखनी पड़ेगी। इंडिया ने पिछले कुछ अरसे में हर्षल पटेल पे आपने बहुत खर्चा किया, वो तो बेकार है, वो तो 12 रन फी ओवर तो IPL में रहता है, हालांकि डेथ का बॉलर है। फिर आप ये इसको इसके ऊपर 2022 लगवा दिया, पांड्या पे बड़ा दुकाने नहीं चलती भाई। आप जो अच्छे बल्लेबाज होते हैं उन्हें आउट करना पड़ता है, बस ये याद रख लो। पांड्या पे बड़ा खर्चा आप करते रहे, फिर आपने हर्षदीप पे किया, फिर आप एक्स्ट्रा पता ना जाने किस कुछ को लेकर है। अभी तो मयंक को आपने ही देखना है कि वो कंसिस्टेंट कितना है, क्या वो इंटरनेशनल इंटरनेशनल इवेंट पे अवेलेबल होगा इंडिया को उस तरह या नहीं होगा, क्योंकि इतना तेज है तो इसकी इंजरी भी बहुत तेजी से इसकी तरफ बढ़ेगी। क्योंकि यार कुछ भी है, हमें तो बहुत मजा आता है कि इतनी दूर से भाग कर आया आदमी, उसने बॉल कराया, उसको चौका पड़ गया, उसने बोल्ड मार दिया, और जो इतनी दूर से भाग कर आ रहा होता है ना, उसके मसाइल बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत बड़े बड़े मसाइल होते हैं, बहुत बड़े होते हैं। तो ये देख लीजिए आर्चर की, आज मैं इसलिए जोड़ रहा हूँ इससे खबर की, आर्चर की आज खबर आई है 2 साल के बाद। अच्छा, कि वो अवेलेबल होंगे, कहाँ पर अवेलेबल होंगे? अगेंस्ट पाकिस्तान जो सीरीज होगी। अच्छा, वो भी पाकिस्तानी से खेलेगा, मतलब उसको उसे किसी ने बता दिया तेज बॉलिंग नहीं। वैसे अब जब खेलेगा मैं बताऊँ पेस कम हो गई होगी, अब काम हो गया उसका, आम कहीं तो गेम था कोई काम एक्शन की वजह से वो इतनी दिनों बैठने के एक बात मैं बता दूं, आर्चर अगर थोड़ा सा साइड ऑन होता ना रिपोर्ट होके ही बाहर हो जाता। रिपोर्ट होके, चलो आज मैं तुम्हें वो भी बता दूं, क्योंकि वो थोड़ा सीधा है ना, तो उसका ये झटके में जाने, उसकी मोमेंटम बनाता है वो, ये बॉल करता है। कुछ लोग यहाँ से बॉल ज्यादा फेंकते हैं, यहाँ से 30% जान होती है, उसकी 70% जान ये थी एल्बो से लेके हाथ ये। अच्छा, आप ये देख लीजिए, आप ये जान उसी वक्त लगाएगा जब घुटना पूरा लगेगा। हाँ, घुटना ही लगेगा तो जान ही लगेगी। घुटनों का तो मसला उसका पता नहीं क्या, इसीलिए जब घुटना लगता है तो स्पीड भी निकलती है यार। दुबे जी अगर बैटिंग की बात करो तो फिर अहल बैट्समैन का हक खाएंगे ना, वो कहलाते ऑलराउंडर है, तो मुश्किल है दुबे जी का। मैं इन सब चीजों के बावजूद मुश्किल लग रहा है, नहीं थोड़ा मिशेल को यार वो इंडिया के रैंक्स में उन्होंने रिंकू को तैयार किया हुआ है, सूर्या भी आ जाएगा, विराट होंगे, गिल होंगे। मुझे तो एक बैटिंग लाइनअप में देखो, सबसे मोहब्बत अपनी जगह, एक बैटिंग लाइनअप में गिल और विराट खेलेंगे तब भी इंडिया की बैटिंग में गड़बड़ हो रही है, या तो फिर जायसवाल की कुर्बानी होगी। लेकिन जायसवाल जिस तरह से अपने आप को बता रहा है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ये छोड़ दो ये IPL के मैचेस, भारत के लिए जो उसमें टैलेंट है और फिर वहां भी खेलने का, तो गिल और जायसवाल में से कोई एक ही रोहित के साथ ओपन करे। और क्योंकि भाई कोहली 3 पे आना चाहिए, सूर्या 4, इधर से आपकी देमार 4.5 शुरू हो जानी चाहिए 4 नंबर से। यार संजू वाइटल है, संजू की जगह लगती भी है और बननी भी चाहिए तजुर्बे पर। मुझसे भी बहुत बहस करते हैं लोग इसी बात के ऊपर, ठीक है, पूछते हैं कि यार अब विराट की आप बताइए इंडिया की टीम में जगह बनती है नहीं बनती। मैं उनको झूठा सा एक जवाब दे देता हूँ जो उनकी शायद समझ में आ जाता है कि भैया बचपन में हमने राजा महाराजाओं की जो कहानी सुनी थी ना, उसमें हमने सुना था कि भैया इनकी जान जो है तोते के अंदर है, ठीक है। अब विराट कोहली के अंदर पूरी टीम की जान है, अब आप अंदाजा लगा लीजिए जब वो ही नहीं होगे तो जान मारेगा कौन? अच्छा, पांड्या को भी झेलना आपको वर्ल्ड कप में, नाइट कप्तान बनाया हुआ आपने इसको, जब तक ये अनफिट नहीं होगा ये बैठ नहीं सकता। यानी कहीं ना कहीं से रोहित शर्मा को पावर देने के बाद, अच्छा मैं किसी बुरा यहां मैं इंडिया की जब टीम की बात हो, ये सारा ड्रामा मुंबई इंडियंस के लिए है, इंडिया की जब टीम की बात हो तो मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, अगर हार्दिक पांड्या की फर्ज करें बैटिंग फॉर्म अच्छी नहीं है तो एज ऑलराउंडर वो ड्रॉप भी होगा किसी मैच में, तो नायब कप्तान बना के आप क्या मैसेज दे रहे हैं, ये पक्का खेलेगा? गलत है, ज्यादती है भाई, पूरा बॉलर खेल सकता है उसकी जगह। बैटिंग इंडिया के पास नीचे आ गई है, मैं ये नहीं कह रहा तोप चीज है, बट भाई आपने इन्वेस्ट किया है तो भरोसा करो, रिंकू पे इन्वेस्ट किया भरोसा करो, संजू पे इन्वेस्ट कब से कर रहे हो तो भरोसा करो। अगर राहुल आ गया तो फिर संजू नहीं तो राहुल होगा,
लेकिन टी ट्वेंटी वाले दो बंदे तगड़े नीचे तेज रखने हैं, ये बता दूं मैं। मसला ये कि अभी क्या पता रोहित शर्मा के दिमाग में, भाई रोहित शर्मा के दिमाग में ऋषभ पंत ना चल रहा हो, ऐसा हो सकता है क्या? मसला ये कि ये सारे लड़के आपको खेलते हुए तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, ठीक है, ये लीग है भाई जी, ये लीग है, इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं है, इसलिए मैं डायरेक्ट संजू पे शिफ्ट हुआ। आपको बताऊं मेलबर्न बार बार बर्निंग पॉइंट पे आ जाता हूँ मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि वहां तुम ये सारे लौंडे उतार दो, इनमें से सारे 18 वाले भी खेल जाएंगे जब भी नहीं कर पाएंगे वो रन, ठीक है, इतनी बड़ी बाउंड्री है, बाउंड्री वेस्ट इंडीज में आपको कुछ और देख के भी प्लेयर लेने होंगे, देखें ट्रेडिशनल विकेट जितना भी काम हो जाए आपको वेस्ट इंडीज में कुछ प्लानर्स रखने होते हैं जो इनिंग को प्लान करके चलाए, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि रोहित शर्मा अपने मेथड से, जायसवाल भी अपने मेथड से, तो फिर गिल और कोहली में से कोई एक आदमी एंकर यकीनन अगर इंडिया इन दोनों को रख लेगा तो बैटिंग में फिर बस कुमार सूर्या की जगह और रिंकू ही की जगह बन सकती है अगर रिंकू इनके प्लान्स में रहते हैं, मुझे तो ये भी नहीं पता और कौन रहता है, वरना फिर पांड्या आ जाएंगे। अगर पांड्या की ख्वाहिश हुई कि भैया मैं तो नायब कप्तान हूँ, मुझे 6 पे खिलाओ, मुझे 5 पे खिलाओ, मुझे इतना ड्रैग क्यों कर रहे हो, फिर फंस जाओगे क्योंकि वो फिर आ जाएंगे जे फॉर, ठीक है वो तो होंगे हमें पता है, पूछने की जरूरत ही नहीं है, रविंद्र जडेजा होंगे, अब आ जाओ आप ऑलराउंडर की कैटेगरी में आ गए, फिर आपका कुलदीप यादव जरूर होगा, अब तो वो कहीं से भी नहीं हट सकता, फिर अब आप किस पे जाएंगे एक और स्पिनर पे, रवि बिश्नोई को आपको देखना है तो देख ले, यूजी चहल की कारकर्दगी मुतासिर कौन है, उसके बाद आपके 3 फास्ट बॉलर होंगे, देखे ये छोड़ दें फंसी भी विकटे, 3 फास्ट बॉलिंग ऑप्शन रखने बहुत जरूरी है, कोई और ही सीन है। अगर आप पांड्या के साथ 3 फास्ट बॉलर का ऑप्शन रखेंगे तो भैया पांड्या आपसे रन देने की मशीन लगाते हैं और दो ओवर करा के अगर उनका चैप्टर क्लोज हो, मैं बुराई में नहीं कह रहा, तो क्या भारत की 1 करोड़ 1 अरब 40 करोड़ लोगों की टीम इतनी सस्ती नहीं है कि भाई हार्दिक पांड्या 2 ओवर करा के बतौर ऑलराउंडर हर मैच खेले, अगर उनकी बैटिंग में 2 बार फेलियर आ गया तो हार्दिक पांड्या बैठेगा ना यार? नहीं क्यों बैठेगा, तो नायब कप्तान क्यों है वो, जो आदमी बैठ सकता है वो वाइस कप्तान क्यों अनाउंस हुआ है? ये तो है, इसीलिए तो है कि तू खेले जा, बस तो कहीं ना कहीं भाई मैं बुरी बात नहीं कर रहा हूँ, ये मुंबई इंडियंस की गेम नहीं बताई मैंने, इंडिया की बताई है। एक सीधी सी बात बताऊं, ये लौंडा कुछ भी कर जाए ना, मुझे खेलता हुआ नजर नहीं आता इंडिया से, क्या नाम है जिसका, नाम है युजवेंद्र चहल, इसको कुछ मखसूस इक्का दुक्का लोग हैं जो रिपोर्ट करते हैं कि ये अच्छी बॉलिंग कर रहा है, ये क्यों गायब है, ये किस लिए गायब है। पांड्या को अगर आप देखते हैं ना तो ऐसा लगता है बहुत ठीक ठाक कट कमीशन के बैग है इसके अंदर, ये सिर्फ चड्डी और बनियान पहन के भी खड़ा हुआ ना, तो इसकी खबर लगी हुई, इसकी खबर लगी, आप फॉरेन सेटिंग है कि भाई इतना बड़ा कप्तान अबे घंटे का, आप समझे इस तरह के और भी कुछ प्लेयर्स हैं यार, मगर ये कि जहां कंपेटिटिव क्रिकेट खेली जा रही है ना, बड़ा मुश्किल है भैया 150 करोड़ की टीम के अंदर 11 लोगों को खिलाना, ठीक है ये आसान सिलेक्टर का काम नहीं है, मुश्किल मरहला है, और फिर ये बड़ी जिम्मेदारी है, इसीलिए वहां पर कोई बायसनेस नजर नहीं आती। हालांकि ठीक है कुछ प्लेयर्स के साथ है, कुछ लोग समझते हैं कि यार बीसीसीआई क्रिकेट के अंदर जो है वो कुछ चीजें नजरअंदाज की जाती है, बिल्कुल की जाती है, देखिए जो बोर्ड के इंटरेस्ट में होता है, जो गेम के इंटरेस्ट में होता है वो गेम है तो चलता है। अच्छा कुछ इंटरेस्ट मैं इसलिए बता रहा हूँ कि लोग समझे भैया, विराट कोहली को कप्तानी से हटाया गया, धोनी को पूछा नहीं गया, मैं कई एक मिसालें दे सकता हूँ यहाँ पर, इसमें कोई हटने वाला सीन नहीं है, क्या ऐसा नहीं होता, हर जगह होता है भैया, ठीक है, मगर मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि उसके बावजूद गेम चलता रहता है, क्योंकि गेम जो है वो ही असल पिक्चर होती है जो नजर आती है ग्राउंड के अंदर, तो गेम में तो सबसे आगे अगर आप कहें तो लड़के तो बहुत है वहां पर, यूजी चहल ठीक है आईपीएल के बेस्ट बॉलर भी बन जाए, ठीक है, फिर भी मैं गारंटी के साथ कहता हूँ इनका मौका लगना मुश्किल है, और मुश्किल तो क्या है, नहीं होगा चाहिए हो सकता है, मुश्किल भाई बिश्नोई को ले लेना, वरना उसके साथ देखो कुलदीप को आपने इसका छिलके का भी जूस निकालने आप, ठीक है आप छिलके का भी जूस निकालने, कुलदीप को बजा के रखा हुआ है, अक्षर को भी बिठाया जा रहा है, कुलदीप तो अलग ही चीज है ना, लेफ्ट आर्म चाइना मैन, मतलब लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर, तो अब बहुत सारे यहाँ भी कहने लगे लोग, हम तो ना जाने कब से बता रहे थे, देख सब कुछ मेहरान मुमताज हर बच्चे में दम है, तो समझे नहीं, गिवन डे पे किसी को तगड़ा प्लेयर खड़ा हो जाए आगे पीछे होके सबको मार लगती है, ये जो लेफ्ट आर्म चाइना मैन वाला बॉलर होता है ये इतना खतरनाक होता है, कोई 60-70 पे भी खेल रहा हो फुल जोबन पे, उसकी एक बॉल इतनी अजीब सी हो जाती है, ये नेचुरल मुश्किल है, राइट आर्म लेग स्पिनर पे फिर आप झेल झेल के मारते रहोगे,
ये लेफ्ट आर्म का जो रॉन्ग वन एकदम से आ जाए, ये एकदम से कोई किसी को भी आउट कर देता है। तो वो बात तो हम बता चुके हैं, व्हाइट बॉल क्रिकेट में रोहित शर्मा बहुत पहले से जान चुके हैं, इसलिए 50 ओवर का पूरा वर्ल्ड कप कुलदीप खेले, और इसी तरह अब टेस्ट में भी कुलदीप को ले आए वो, टेस्ट में भी उनकी मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस नॉट ओनली विद द बॉल बल्कि ध्रुव जुरेल के साथ 120-125 गेंदे खेलने का शर्फ मिला, उसे मुश्किल विकेट पे वो खड़ा ही रहा। मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ भैया, ये दोनों स्क्वाड में था ये, मगर एक जगह वरुण चक्रवर्ती खेल गया, दूसरी जगह राहुल झाल खेल गया, लेकिन बैठा रह गया ये जितेश, हमारा फेवरेट है, समझने की गंध है कुछ, जितेश हमारा फेवरेट है, लेकिन यार जितेश शर्मा के गेम में थोड़ी बहुत वीकनेसेस भी हैं। अभी जितेश अर्ली हो सकता है, पहले उसे आपने एक दो जगह चांस दिया, 8-10-15 रन करवाए, लेकिन मुश्किल लग रहा है मुझे, क्योंकि राहुल कीपिंग का ऑप्शन T20 में लेके आते हैं यार, मुझे हिम्मत हारने वाले के 8 बॉलों पे 16 रन करके वो गुस्सा होके गया कि मैं हाँ जिता रहा था, भाई जिताओ ना, तुम नए लोग जिता रहे। नहीं नहीं, ये आप जो अब तुम्हें तुम्हारा अभी भी ऑडिशन चल रहा है जितेश, नहीं नहीं अभी बहुत क्रिकेट, तुमने भारत को दो मैच थोड़ी जिताती है, बहुत क्रिकेट है ये, मैं नेचुरल बात कर रहा हूँ ये भाई, मतलब तुम्हें अभी इस लीग में कम से कम 2-3 मैच खुद जिताने, शर्मा पीछे गए हो तुम IPL में इस साल, कल मारे हैं रन 13-31 मारे हैं, ब्रांस तो ठीक मारे हैं उन्होंने, उसने आशुतोष है वो, नहीं नहीं जितेश ने, जितेश ने तो 8-16 किया, 8-16 मैं ये कह रहा हूँ कि वो जो अफसोस आपने दिखाया ना, वो मुझे समझ में नहीं, ऐसे लगा आप आउट हो गए, टीम हार गई, हाँ कि नहीं मैं जिताने वाला था, नहीं नहीं वो आपने ये वाला मोमेंटम देना ही नहीं था यार, जो लोग बैठे हुए पागल थोड़ी है कोई, आप ये शो ऑफ करके गए कि मैं आउट हो गया, टीम हार गई, टीम नहीं हारती यार, ठीक है आपने अच्छा वहाँ पे गेम लगाया था, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने उस्मान खान को थैंक यू कह दिया, हाँ यार हमने उसके लिए बड़ी बात करी थी और हमने उसको इशारे भी दिए थे, हाँ नहीं वो लगता है उससे ज्यादा इशारे पता, अबे तू खज्जल खौर होगा उस्मान, मैं तुझे बताऊँ पहले हमारी ये विश नहीं है, हमें हाँ, हमें तो वो पता है जो तुझे नहीं पता, ठीक है देख ले शाइन का पोस्टर लगा रहा है, शाइन क्यों पोस्टर लगा रहा है, ये किससे झगड़ा है शाइन का, हाँ तुम्हें खेलने नहीं देंगे, खेलने नहीं देंगे, यहाँ तो लोग रात रात भर खेल ले, मतलब यहाँ तो गेम रात भर खेलते हैं लोग, 3-3 बजे 4-4 बजे, यहाँ तो शाहरुख खान की मूवी चल रही है, पारो ने कहा छोड़ दो, अब्बा जी ने कहा पकड़ लो, यहाँ तो गेम ही यूज में चल रहा है, हर जगह खेलने की अलग पिच रखी हुई होती है लोगों ने। फिर दूसरा ये कि यार तुम जहाँ से गालियां देके गए PCB को, गालियां देके गए ना यहाँ के सिस्टम को, वहां जाके तुमने उनको गले लगा लिया, उनकी गोद में बैठ गए, अब उनको गालियां देके तुम यहाँ आ गए, उन्होंने तो ठोक दिया तुम्हें पकड़ के, PCB ने करना चाहिए था ये, तेरी ऐसी की तेजी 5 साल तक नहीं खेल सकता, अभी तू नीचे डोमेस्टिक खेल, कैसे एक्सेप्ट कर लिया इसको भैया, भले तू चांद तक जाके इतने रन मारे, खज्जल खौरी तुम्हारे नसीब में लिख के हमारी दुआ नहीं है ना, हम आए भर रहे, मगर हमने तुम्हें ग्रीन सिग्नल दिया था कि इनकी बातों में मत आना, लोग कह रहे थे मत आना, बेटा आपका असल रोल है विकेट कीपर बैट्समैन, वो छोड़ेगा नहीं शबीर, वो पाकिस्तान में आपको पहले तो बैट्समैन खिला लेंगे ये, मैं चलो आप पूरी कहानी बता देता हूँ, वो सच होगी, भले दो ये पहले तुम्हें सिलेक्ट करेंगे, उसके साथ रख के खिलाएंगे भी, ड्रेसिंग रूम में बदतमीजी, अच्छा तुम कौन हो, जहीर अब्बास के बेटे तो हो नहीं, मजाकन कह रहा हूँ भाई, बुरा नहीं मानना, यूनुस खान के भी रिश्तेदार, अबे दुनिया का कौन सा वो एवर रिलायबल बल्लेबाज है जिसपे बैट पैच नहीं आता, ग्रेट सचिन तेंदुलकर पर भी आया, सब पे आता है, तो बात ये मेरे भाई, जिस दिन तू 4 मैच में अनफिट होगा, ओ मिसफिट होगा, रन नहीं करेगा, तू ऐसा ड्रॉप होगा, फिर तू एज विकेट कीपर वापस नहीं आएगा, अबे तेरा जिंदगी ने इम्तिहान लिया, तू एमिरेट्स गया, अब तू वापस आ गया, तूने गलत कर दिया भाई, अब ये सारे मिलके तेरे से इंतकाम लेंगे, तू के तू फिजिक्स केमिस्ट्री के अपनी IIT 20 साल भर का खर्चा मार दिया, फिजिक्स केमिस्ट्री के बीच में आ रहा है, तेरा सैंडविच बच जाएगा, हाँ फिजिक्स केमिस्ट्री के बीच में है नाकामिया, मैं बेटा तुम हो सकता है कि यार तुम अपनी अच्छी किस्मत लेकर आयो, मगर किस्मत हर वक्त साथ नहीं, तो मैं हर मैच में तुम समझ ही नहीं रहे, जिसे अगर इन्हें नहीं खिलाना है तो तुम 2-3 धमाकेदार इनिंग भी खेल दोगे और 3 बार फेल हो गए, ये वो सब टेक्निकल बातें ले आते हैं मार्केट में अपने उन लोगों के लिए जो इन्हें पसंद नहीं है। चलो मैं मिसाल देता हूँ, तुम्हारी किस्मत पहले अच्छी, मैं तुम्हें बताता हूँ तुम्हारी नंबर वन लक क्या चलती है, तुम अभी स्क्वाड में आ जाते हो न्यूजीलैंड, तुम न्यूजीलैंड को मारते हो 2-3 मैचों में, ठीक है रोटेशन पॉलिसी भी होगी उसमें, हमारे लिए बड़ी टीम है न्यूजीलैंड, 1-2 मैच तुम्हें मिलते हैं, रोटेशन बता दी जाएगी पहले ही कि सबको चांस देंगे हम, फिर आयरलैंड में भी तुम्हें एक आध मौका मिलता है, चलो तुम वहां भी मान लेते हो, अब तुम जाओगे वर्ल्ड कप में, फर्ज करो उस्मान तुमसे वहां लगातार 2 मैच में रन नहीं हुए, तुम्हारी अगर अच्छी किस्मत है तो मैं तुम्हें बहुत पॉजिटिव, यही लोग सोशल मीडिया पे जो शिकरे छोड़ेंगे कहेंगे अबे ये बच्चों का प्लेयर है, ये पाकिस्तान की बिचों का प्लेयर है, ये मेगा इवेंट में नहीं खेल सकता, इसको बाहर करो, मैं तुम्हें बता दूं बेटा तुम वर्ल्ड कप के वार्म अप मैच में फेल नजर आओगे, वहीं से बिठा देंगे,
जाओ। उसके बाद तुम रो रो के यूएई को, भाई देखो हम खुद पाकिस्तानी, हम चाहते हैं कि तुम जैसा टैलेंट हमारे मुल्क से ही खेलता, लेकिन तुम्हें क्या रमजान क्रिकेट और इधर उधर से निकाल के फेंका गया। तुम क्या आज के आदमी थे? क्वेटा ने तुम्हें ओपनर खिलाया, इस आदमी ने तुम्हें कितने तरीके से ओपनर से वन डाउन से फोर फिर वन डाउन। ये यासिर जान, ये क्यों आ रहा था यासिर खान ओपनर? तुम्हारे ऊपर आ रहा था कि भाई तू इतना साथी खेलेगा तो मैं हारिस खान को क्यों खिला रही थी ऊपर, कभी जानने की कोशिश करो बेटा। ये वाली मोहम्मद हारिस को क्यों खिला बेटा? तुम्हारे लिए रास्ता बड़ा मुश्किल है, ठीक है? तुम्हारा एहतराम इसलिए कि तुमने अपने मुल्क की मोहब्बत दोबारा चुन ली। बीएसएल का सबसे मुश्किल हो जाएगा तुम्हारे लिए। बेस्ट विकेट कीपर जिसने पूरा ग्लव दे दिया अपने अपने ऊपर क्रिटिक्स करने वालों के, वो सिलेक्ट भी नहीं होने वाला है अभी। उसके लिए ये जरूरी नहीं है कि 2 किलोमीटर भाग के अपनी फिटनेस अभी तो नहीं आया उसका, वो यूं यूं कूद रहा है भाई। उसमें मैच फिटनेस पूरी है, आप समझे? मैच फिटनेस पूरी है, टीम में रहने के लिए भाग लेना या रन कर लेना जरूरी नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है। कल है आरसीबी वर्सेस आरआर, तो जयपुर पे दो आर लगेंगे, बेंगलोर में नहीं है भाई लगेंगे आरआर, ये नहीं। जयपुर में मैच है, आरआर अब तक हारा नहीं है, तो जैसे आमद होती है वो 99 सही हो रही है। तो आमद यार एक बात बताओ, आरसीबी के लिए अच्छे जज्बात इस बार आ नहीं रहे यार, खुल के बोल रहा हूँ। कोहली की अपनी जगह मोहब्बत, हार और जीत पे नहीं आ रहे। चलते चलते थोड़ा सा होता कुछ भी नहीं है, लेकिन कल अगर इन्हें भी खड़ा होना है कुछ 19-20 तो कल ही का मैच जीतेंगे ये। उसके बाद इनकी इनका प्ले ऑफ सिनेरियो बढ़ गया। चलते चलते इनको भी ऐड कर लूं, जैसन गिलिस भी आ गए पाकिस्तान के बॉलिंग। और अबे हमारे यहाँ हम तो चलाते हैं ऑनलाइन डेटिंग ऐप, ये डेटिंग ऐप पे अवेलेबल है, टूर्स होगा तो आएंगे। डेटिंग ऐप पे तो ये होता है आजकल, तो ऑनलाइन डेटिंग चल रही है। एक नंबर पे रात को डेटिंग, एक पे दोपहर को डेटिंग, एक पे देखिए कबूल है, फिर एक उड़ा के दूसरा। ये डेटिंग ऐप वाले कोचेस समझ में नहीं आया मुझे। फिर ये के आज रात को 3 बजे डालूंगा, बड़ी आम चीज है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो डायरेक्टर मीडिया थी आलिया रशीद, आज वो रिजाइन कर गई। जबरदस्त फैसला है, आपको लगा कि यार रिजाइन कर देना चाहिए, मुझ में मैं वो एफर्ट्स कर सकती हूँ रिजाइन करके, जो सीनियर है वो, और बेस्ट ऑफ लक है, लगा होगा कि मुझे कर देना चाहिए। आपने जबरदस्त काम किया और ठीक है, आपके बाद जो आने वाले जो है वो भी उसी तरह से काम करेंगे। आरसीबी जीत गया, पूर्व में जीतेगा, कल जीत गया भाई, कल जीत गया, बस आपसे नहीं कहलवाना था। आप कहते घंटा बच जाएगा इनका, फिर जीत जाते हैं, गुस्सा पहुंचता है ना। नहीं, कल दिन में बजाऊंगा मैं। लव यू ऑल, अपना ख्याल रखिए। अभी शोएब मलिक की क्या बात लिख दी तुमने, है? अच्छा भाई, और शाहीन बहुत नाराज है भाई इंस्टा की। अबे ये जो मैसेजेस वगैरह होते हैं ये पुराने हैं, वो याद है टिम पे? अरे ये तो ये पर्सनल बातें हैं यार, छोड़ो इसको। शोएब भाई मैसेज करते थे, सेक्सटिंग भी करते थे, मैसेजेस करते थे यार। इनका हमसे वैसे भी कोई लेना देना नहीं और हमें पता भी नहीं है। हम लोग क्रिकेट की कोई तफरी है तो वो लाओ यार, समझ नहीं। मत की ठरक क्या होती है? हाँ नहीं यार, एक साफ बात बता दो, ठरक मैं एक बार बता दूं, मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं, मैं लेडीज की बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं। ठरक हर किसी में होती है, वो बात ही होती है। ठरक करने की मनपसंद जगहें होती हैं, और जहां पर पूरा पूरा मौका होता है ना, वही इंसान ठरक करता है। यार मैं नहीं होता ना, वहां नहीं करता। सस्ती टीआरपी लेने की कोशिश की गई है शोएब मलिक के। लड़कियों लड़कियों में हर तरह के ताल्लुकात होते हैं, अच्छे मरासिम भी होते हैं। कुछ ऐसे लड़के होते हैं कि आप उन्हें गलत तरफ टस से मस नहीं कर सकते, चाहे आप उनके सामने मतलब कपड़े फेंक के भी बातें कर दो, ये भी चले आपको बता दूं, ठीक है? और वो ये ईमान की बात होती है भाई, भाई का फैसला है, शादी करना नहीं करना उनका पर्सनल मैटर है। मैं सिर्फ एज अ क्रिकेटर उनकी बात कर रहा हूँ कि अगर उन्होंने कुछ मैसेजेस किए हैं तो उसमें बुराई क्या है यार? और अगर किसी ने कह दिया कि मुझे करते थे मैसेजेस, या तो चंदे की सूरत में काम चल रहा होता है यार। जो गलत लोग हैं वो सोशल मीडिया पे घूम घूम के क्या कर रहे होते हैं? कहीं ये नहीं कहा, लड़कियां लड़के उठा रही होती है सोशल मीडिया से यार। कहीं उन्होंने ये नहीं, अल्लाह माफ करे, मैं सिर्फ समझाने कह रहा हूँ। गलत मैसेज, चंद एक जो गलत होंगी। अबे वो जो सोशल मीडिया की ऑफर्स आती है, वो वाले मैसेजेस का फॉरवर्ड मैसेजेस को मैसेज चाहिए यार सबको, बस दिल क्या है ये, दिल पशोरी करना कहते हैं इसको। अगर रीलें आपस में, और हमें नहीं पता, मैं तो ओवरऑल बात कर रहा हूँ, मुझे शोएब मलिक का बाखुदा ये किस्सा ही नहीं पता। मैंने एक रंग बिरंगी पोस्ट में पढ़ा था कि कोई खातून कह रही है कि वो कुछ फ्लर्टिंग मैसेज है। नहीं नहीं, कोई किसी ने मुझे, वो भी 3 दिन पहले, और वो कह लगा ये बताइए क्या ये ठीक कर रहा है। मैंने बोला क्या तुझे करना था, क्या तुझे मिल गया था, तू क्या करता नंबर दिखाऊ, मैं दिखाऊ, अबे दुनिया देख रही है उसको, बस जो भी सोशल मीडिया पे दिख जाए सब जीएफ है। जीएफसी दिखा सकते हैं, जीएफ दिखाओ, जीएफसी दिखाओ, इनकी देख लो, जीएफसी अभी अंदर रखा हुआ, चला के दिखाओ, प्यारी प्यारी है, प्यारी प्यारी वो दिखा। अब मैं दिखा नहीं सकता, तुम लोगों की ठरक क्या चल रही है आजकल, वरना मैं दिखा देता।
अब दिखा नहीं सकता, मजबूरी है। तुम लोग की हड्डी में नई वाली बाजी देखते हैं। चलो टाटा बस निकलो, तुम्हारी ऐसी की नहीं।